Zombie apocalypse. सलाम वालेकुम गैस, मैं हूं शेजुंद खान और आप देख रहे हैं एडिटिंग फाजू। गैस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए आया हूं एक और ट्रेनिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। गैस यहां पर मैं आपको डेमो प्ले करके दिखा देता हूं। तो गैस कुछ इस टाइप के जोन से लिरिक्स है, काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर के ऊपर भी इफेक्ट लगा हुआ है जो कि गैस काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। इसको आप सॉन्ग में भी क्रिएट कर सकते हो या किसी और जोन से रेशियो में भी क्रिएट कर सकते हो। उसको कैसे क्रिएट करेंगे तो उसको सीखने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेनी है। सो गैस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा है कि अगर गैस आपको ये पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेलकम प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बनता रहे। तो चलेगा इस बिना टाइम वेस्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस यहां पर आपने करना क्या होगा, सिंपली उसके लिए लाइट मशीन ऐप को ओपन कर देना है। जो सा गाइस मेरे पास लाइट मशीन है, अगर आपको ये चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आपने बता देना है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस यहां पर आपने प्लस के ऊपर टाइप कर देना है। देन गाइस टाइप करने के बाद यहां पर आपने कोई भी जो सी एक रेशियो सिलेक्ट कर देनी है अपनी मर्जी की। यहां पर मैं 9% की जो सी रेशियो सिलेक्ट कर देता हूं। देन सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपने करिए प्रोजेक्ट के ऊपर टाइप कर देना है। देन गाइज यहाँ पर आपको प्लस के ऊपर टाइप करना होगा। देन टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने आइडियो के ऊपर टाइप कर देना है। यहाँ पर आपकी जो सी भी आइडियो है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आप चूज़ करना चाहो। देन यहाँ पर आपने मीडिया के ऊपर टाइप कर देना है। अगर वीडियो फॉर्मेट में तो यहाँ पर आपने कोई सी भी जो सी एक वीडियो है जो आपने क्रिएट किया वो यहाँ पर आपने यूज़ कर देनी है। देन यूज़ करने के बाद एक्सट्रा आइडियो के ऊपर टाइप करके वीडियो का जो सी रहेगी यहाँ पर आपने डाल कर देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने लिरिक्स के हिसाब से बिट मार्क्स लगा देने हैं। देन लगा देने के बाद यहाँ पर आपने करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पर आपने बैगेज देन बैगर बाद यहाँ पर मैं आपको एक्सएमएल प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने प्रोजेक्ट के ऊपर टाइप करके एक्सएमएल को यहाँ पर आपने ओपन कर देना है जो कि गैस कुछ इस टाइप की आपको नजर आ जाएगी। सो यहाँ पर आपने चारों लेयर को कुछ इस टाइप का आपने सिलेक्ट कर देना होगा। देन सिलेक्ट करने बाद कॉपी फोर लेयर कर देना है। देन बैगेज ना बैगेज के बाद अपना प्रोजेक्ट अगेन से ओपन कर देना होगा। देन ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करने के बाद पेस्ट फोलियो के ऊपर टाइप कर देना है और यहाँ पर आपने जो सा लोगो वाला लेयर है इसको आपने फुलर तक ले जानी है कुछ इस टाइप का। ये वाली गैस लिरिक्स वाली है। सो यहाँ पर जो सा मैं ये वाली है टाइमिंग वाला ऑप्शन यूज़ करके आगे की तरफ ले जाता हूँ। देन लोगो वाली ले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो सी शेप वाली है इसको आपने रहने देना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको नज़र आ गया। यहाँ पर आपने जो सा इमोजी वगैरह है अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। देन एडिट टेक्स्ट पर टाइप करके यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप लगाना चाहते हो वो यहाँ पर आपने लगा देनी है। देन इसी तरह यहाँ पर आप एडिट टेक्स्ट पर टाइप करके कोई सा जो भी आप लोगो वगैरह यूज़ करते हो यहाँ पर आप लोगो दे सकते हो। देन यहाँ पर आपने करना क्या होगा, इमेज वगैरह ऐड कर देनी है। देन प्लस के ऊपर टाइप कर देना है, मीडिया के ऊपर टाइप कर देना है। यहाँ पर आपने जो से एक इमेज है वो सिलेक्ट कर देनी है। देन थ्री डॉट के ऊपर टाइप करके फिल कंपोजिशन रे के ऊपर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो सी लेयर रहेगी फुल एंड तक आपने ले जानी है। देन ले जाने के बाद यहाँ पर आपने करना क्या होगा, इसको कुछ इस टाइप का ड्रैग करके आपने नीचे की तरफ यहाँ पर ऐड कर देना है और यहाँ पर आपने इफेक्ट के ऊपर टाइप करके थ्री डॉट के ऊपर टाइप करके कॉपी इफेक्ट कर देना है। देन यहाँ पर इसकी जो सी लेयर रहेगी आपने इसको डेल कर देना है। उसके बाद पिक्चर लेयर के ऊपर टाइप करके इफेक्ट के ऊपर टाइप करके यहाँ पर आपने पेस्ट इफेक्ट कर देना है और यहाँ पर जो सा हिडन इफेक्ट है उसको आपने अनहिडन कर देना होगा कुछ इस टाइप का आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप इसी तरह भी क्रिएट कर सकते हो, अगर यहाँ पर इस तरह क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कर सकते हो। यानी यहाँ पर आपको लिरिक्स नहीं लिखेंगे लेकिन नजर नहीं आएंगे। सो यहाँ पर आपने जो सा एक शेप यूज करके उसको फिल कंपोजिशन कर देना है। देन इसकी लेयर को आपने फुल एंड तक ले जाना है। देन ले जाने बाद यहाँ पर आपने करना क्या होगा, कलर एंड फिल वाले ऑप्शन को टाइप करके यहाँ पर आपने ग्रेडियंट चूज कर देना है कुछ इस टाइप का। यहाँ पर आपने इसकी सेटलमेंट कर देनी है अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया। देन ब्लैक कलर के ऊपर टाइप करके इसको यहाँ पर आपने रिमूव कर देना है। देन रिमूव करने के बाद अब आपने इसकी फाइनल एडजस्टमेंट कर देनी है। देन बैक आने के बाद यहाँ पर आपने जो सा इसको नीचे की तरफ ऐड कर देना है कुछ इस टाइप का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन अब अभी लिरिक्स नज़र आ रहे हैं अच्छे तरीके से। देन यहाँ पर आपने इसको राइट ट्रिम कर देना है या फिर आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। देन इफेक्ट के ऊपर टाइप करके यहाँ पर आपने दोनों इफेक्ट अनहिडन कर देने। देन वेवर को ओपन कर देना है, जो सब मैग्नीट्यूड रहेगा इसको यहाँ पर आपने कुछ इस टाइप का 1 रख देना होगा, वैसे आप अपने हिसाब से रख सकते हो। देन यहाँ पर जो सा स्टेपर्स है इसको ओपन करने के बाद इसका जो सा काउंट रहेगा वो यहाँ पर आपने 2 रख देना है।
देन इसको भी आपने क्लोज कर देना है। देन क्लोज करने बाद यहाँ पर आपने ह्यू शिफ्ट को कुछ इस टाइप का ओपन कर देना है। देन ओपन करने बाद यहाँ पर हिडन भी है तो उसको आपने अनहिडन कर देना है। अगर यहाँ पर मजीद आप कोई कलर और लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको बढ़ा भी सकते हो। देन इसको आपने क्लोज कर देना है। देन क्लोज करने बाद यहाँ पर आपने स्मूथ बेवल को ओपन कर देना है। देन ओपन करने बाद जो सा इसका रेडियस रहेगा वो यहाँ पर आपने कुछ इस टाइप का 16 तक ले जाना है बढ़ाकर। सो यहाँ पर कुछ इस टाइप का मैं 16 रख देता हूँ, तो यहाँ पर ये 14 और यहाँ पर ये 16 हो चुका है। देन इसको आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने बाद बैक आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जो से हमारी लिरिक्स है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। पिक्चर के ऊपर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पर आपने कॉपी लेयर कर देना कुछ इस टाइप का। देन कॉपी लेयर करने बाद जहाँ पर आपका सेकेंड लिरिक्स बनता है वहाँ जाने के बाद आपने पेस्ट लेयर के ऊपर टाइप कर देना है। देन इस लेयर को कुछ टाइप का आपने आगे की तरफ इंक्रीज करके ले जाना है। यहाँ पर आपने एडिट टेक्स्ट पर टाइप करके इसको करके रिमूव जोन्स भी यहाँ पर आपका लिरिक्स बनता है वो यहाँ पर आपने सिंपली पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पर आपने बैग देना है। बैग आने के बाद इस तरह आपने फुल एंड तक जितने भी आपके लिरिक्स बनते हैं वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देने। देन पेस्ट करने बाद यहाँ पर आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जो से हमारा स्टेटस है वक्त क्रिएट हो चुका है। देन यहाँ पर आपको राइट आपने ऑप्शन नजर आ रहा है एक्सप्लोर का, तो आपने इसके ऊपर टाइप कर देना है। देन टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने एक्सप्लोर के ऊपर टाइप कर देना है। सो गैज ये आपकी गैली में सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ गैज आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर गैज आपको ये वीडियो पसंद है तो बेल लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो गैज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।